बाल महिला सेवा संगठन इन दिनों लोगों को कोरोना से बचाने में जी जान से जुटा है। अध्यक्ष ममता त्रिपाठी के नेतृत्व में बाल महिला सेवा संगठन के कार्यकर्ता फैजुल्लागंज और आसपास के एरिया में न सिर्फ मास्क बांट रहे हैं बल्कि लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके भी बता रहे हैं। इतना ही नहीं, बिना किसी सरकारी मदद के संगठन के कार्यकर्ता कोरोना प्रभावित क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में खुद के प्रयास से सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं। मास्क का वितरण फैजुल्लागंज और आसपास के क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसी क्रम में बाल महिला सेवा संगठन ने शनिवार को 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल कोविड टीकाकरण का शिविर आयोजित किया, जिसमें किशोरों ने उत्साह के साथ भाग लिया और वैक्सीनेशन में अपना योगदान दिया। शिविर में 15 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर किशोरियों के टीकाकरण के साथ वृद्धजनों को बूस्टर डोज भी लगाई गई। शिविर में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फैजुल्लागंज की तरफ से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आजमा जबीन, एएनएम आशा सिंह, एएनएम बीना देवी ने टीकाकरण किया। लगा लीजिए। सुबह से बटवा रहे हैं नहीं है तो हम मोटरसाइकिल में दो पड़े रखे हैं। इसके बाद डर नहीं रहे। मैं छुट्टी लगा छुट्टी लगा दूंगी यार। क्या हो गया? हो गया सुबह से बटवा रहे हैं बच रहा मोटरसाइकिल में दो पड़े रखे हैं। इसके बाद डर नहीं रहे। अच्छा मंत्री
साढ़े चौदह की